हाय फ्रेंड्स कैसे हो मैं, मैं आपको तो, मेरे ठाकुर जी ठाकुर जी का, का जो दिखाने वाली पूजा स्थल है वो मैं दिखाऊंगी तो मैं क्षेत्र में आ गई हूँ मुझे तो कुछ फूल, तो फूल लेना है फूल तो बस ठाकुर जी के लिए ही है ये और ये है सुगंध राज मुझे बहुत, बहुत, बहुत पसंद एक है ये सुगंध राज क्योंकि इसको एक ठाकुर तो जी के पास रख देती हूँ ना तो फिर मैं अगरबत्ती वगैरह नहीं तो जलाती हूँ मुझे ये स्मेल बहुत अच्छी लगती है शायद ठाकुर जी को भी अच्छी लगती हो अभी यहाँ पर रोज रोज बारिश हो रही है बारिश के कारण फूल तो ज्यादा नहीं खिल रहे हैं फिर भी जो दो चार है मुझे हो जाएगा ये कुछ गुलाब है बहुत बिनी सी सुगंध है इसका ये चाइनीज़ गुलाब है और भिनी भिनी से तो सुगंध आता है तो मैं फूल को डायरेक्ट नहीं, नहीं। तो तो भगवान को चढ़ाती हूँ मैं बस पानी में रख देती हूँ ताजा भी रहे और तो दिन भर अपनी महक छोड़ के रूम को पूरा महकाती रहे तो मुझे यही पसंद है और फिर आगे चल के मैं देखती हूँ कुछ और फूल मुझे मिल जाए तो यहाँ पर ये तो एक है पर ये इसमें इतना सुगंध नहीं है पर ये शिव जी का बहुत प्यार प्यारा है तो मैं इसे लगा रखी हूँ साल भर इसमें कुछ ना तोड़ी कुछ तोड़ी फूल जाता है और ज्यादा केयर भी नहीं लेना कुछ पड़ता कुछ है, है। बस ऐसे ही रह जाता है ये इसीलिए ये मुझे प्यारा है और फिर आगे ये तो ये तो ढेर सारा कलिया बस इसमें आ गई है लेकिन ना तो फूल खिला नहीं है ये बारिश में ठीक से खिल भी नहीं रहा है बस एक दो मिल गया है काफी है और फिर आगे चल के हाँ ये तो अलमुंडा वैरायटी है वो तो प्लांट में ही अच्छा लगता है बच्चे माँ के गोद में ही अच्छे ऐसी बात है ये प्लांट ऐसे ही अच्छा लगता है और ये बस एक मिल गया हो गया मेरा इतना ही काफी है बस एक दो के लिए मुझे मैं तो ज्यादा ताम जाम मंत्र तंत्र जानती नहीं बस फूल चढ़ाती है और बोलते भगवान तुम्हारा फूल तुम्हें को समर्पण है बस ले लो इसे ऐसी बात है मैं अब नीचे आ गई ये मेरा पूजा का घर है ये मेरा आसन है आ, मेरे गुरु जी का दिया हुआ है मैं रामकृष्ण मठ मिशन से इनिशिएटेड हूँ मतलब वहाँ पर मंत्र दीक्षा ली है मैंने वहाँ का जो प्रेसिडेंट थे स्वामी गहनानंद महाराज जी वही मेरे गुरु जी हैं उन्हीं से मैंने मंत्र लिया है ये ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण देव और ये उनके धर्म पत्नी हम तो इन्हें माई बोलते हैं क्योंकि धर्मपत्नी से वो ठाकुर जी ने उनको माँ के रूप में पूजे थे और उनको ही माँ मानते थे तो ये एक साधना है आ, हर स्त्री को माँ के रूप में देखना तो वही उनका साधना था और यहाँ पर जेजस जी भी बैठे हैं गोद में देखिए ना जगन्नाथ जी को लेके जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सभी को लेके आराम से बैठे हैं सब तो प्यार की प्यार की डलियाँ हैं मेरी और ये साईनाथ भी बैठे हैं वो भी थोड़ा पूजा पा लेते हैं और थोड़ा सा किताब है जो मैं पढ़ लेती हूँ और यहाँ पर ठाकुर जी का सारा आम, मतलब जिसमें मैं भोग लगाती हूँ वही है इसमें अब ठाकुर जी फल खाते हैं कितना प्यारा है ना <laughs> जहाँ जो भी छोटे मोटे मिलते हैं मैं लाती रहती हूँ और मुझे कांच का सामान बहुत अच्छा लगता है और उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करती है इसीलिए कांच का सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी का घर में छोटे छोटे चामच है इससे ठाकुर जी सू सूजी बना के रात को देती हूँ तो खाते हैं और ये थोड़ा सा किशमिश है और ये उनका ठाकुर जी का दिन भर का खाना बच्चे है ना तो दिन भर खाते रहते हैं ना भूख लगता रहता है उनको और ये मेरा दो कबर्ड है उसमें पहला वाला में ठाकुर जी का सामान है और इसमें बड़ा ज़रा स्पिरिचुअल किताब सब है जो कि रामकृष्ण मिशन का भी है और बाकी सारे महात्माओं के कुछ उनके बारे में उनके टॉक्स है बहुत सारे किताबें इंग्लिश हिंदी और हिंदी नहीं है इंग्लिश और बंगाली में है ज़्यादातर पहले मैं बहुत पढ़ती थी पर अब आँख के कारण मैं इतना पढ़ नहीं पाती हूँ ये छोटी सी म्यूजिक सिस्टम गई अब देखें ये मेरे झरोका है ये पूरब के तरफ खुलता है तो जब सूरज जी उगर उगने उड़ते हैं मॉर्निंग में ना तो पहले पहले किरण नहीं पर आके मतलब दिखता है तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मैं जब घर बनाई थी तो मैं ऐसे ही बोली थी कि ऐसे पूर्व में झरोका खोलो कि मैं यहीं से सूरज जी को देखूँगी पहला सूरज जी को दर्शन करूँगी ये मैं फूल सुगंधराज फूल को मैं पानी में डाल दी हूँ इसी पानी से मैं ठाकुर को पोछूंगी मतलब नहलाऊंगी और ये थोड़ा सा उसमें कभी कभी मैं चंदन डालती हूँ कभी कभी व्यू ही बस ये इतना सुगंध देती है कि बस उसी पानी में और थोड़ा हाँ ये थोड़ा स्प्रे है मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ इसका भीनी सी सुबास है और इसको लगा के ठाकुर जी को पोछ दूंगी तो दिन भर एक हल्का सा महक आता रहता है जो कि लगता है हाँ ठाकुर जी बैठे हैं उनके उनके बदन से ये खुशबू निकल रही है चारों तरफ फैल रहा है मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसी से पोछ देती हूँ कभी चंदन देती हूँ कभी स्प्रे देती हूँ कभी सिर्फ फूलों का पानी से पोछती हूँ और ये पोस्ता इस डेली का काम है मेरा मॉर्निंग में मैं यही करती हूँ ये छोटे से गणेश जी बैठे हैं और उनको हमेशा मैं माँ के पैरों में रखती हूँ क्योंकि वो तो माँ का छोटा बेटा है लाडला भी है <laughs> और ये स्वामी जी है स्वामी विवेकानंद जी उनको भी ज़रा पोछ देती हूँ और फिर ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी है और जेजस जी है जेजस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि उनके सेक्रीफाइज हमारे लिए मैं तो वारी वारी जाऊँ <laughs> अवतार है तभी ऐसे कर पाया है ना हमारे लिए क्या तकलीफ़ उन्होंने उठाए हम तो सोच भी नहीं सकते क्या तकलीफ़ उनको हम लोग पहुँचाए पहचान ही नहीं पाए हाँ ये मेरा योगा गुरु है श्री श्री रविशंकर जी और आ, मैं ज़रा धूप लगा लेती हूँ हाँ ज़रा धूप लगा लेती हूँ और क्या मैं ज़्यादा ताम झाम ये कर कर नहीं पाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं जप करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ और जो भी थोड़ा बहुत पूजा रहा वो मैं मानस पूजा करती हूँ क्योंकि मानस पूजा करते समय यही इसका फायदा है कि जितने समय आप मानस पूजा करूँगी उतने समय मैं आ, एक साकार ध्यान भी मेरा हो जाता है इसीलिए मैं मुझे मानस पूजा ज़्यादा अच्छी लगती है अब छोटे से ग्लास में मैंने ठाकुर जी को पानी दिया और छोटी सी कटोरी में कांच की कटोरी में थोड़ी सी किशमिश बच्चा है ना पाँच साल का बच्चा तो ये उनको पसंद आ जाता है वही खा लेता है ये इनका ब्रेकफास्ट है कभी कभी एक खजूर भी देती हूँ एक दो खजूर वो भी खा लेते हैं और ये है कछुआ जी कछुआ महाराज वो पानी में बैठा रहता है हम लोग को दुआ देते रहते हैं उत्तर के तरफ कछुआ का मुँह रखना है तो शुभ होता है पॉजिटिव एनर्जी ये छोटा सा घट है माँ की आम के पत्ते से मैं लगाई हूँ और ये जो फूल है ये जगन्नाथ जी के पैर से मैं लाई थी तो यहाँ पर मैं रख दूँगी रखी हूँ और ये जो आपको दिख रहा है ना ये आपका गंगा पानी है हरिद्वार का गंगा पानी और ये मैं हरिद्वार से लाई थी एक मुखी रुद्राक्ष तो यही मेरा हर दिन उस पर चंदन चढ़ता है और पूजा करते हैं ये मेरे हस्बैंड के गुरुजी हैं और ये मेरे गुरुजी हैं ये मेरी गुरुजी हैं ये साईनाथ है और साईनाथ भी यहाँ हम लोग के दुआ देते रहते हैं पूजा होती रहती है और ये थोड़ी सी किताब है मंत्र की जो मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ ये मेरे आ, योगा गुरु हैं उनसे मैंने आ, मेडिटेशन आ, योगा ये सब सीखी है मैं उनका बहुत आभार हूँ मेरा जीवन ही पलट गया <laughs> बहुत प्यारे हैं गुरु जी आ, ये तो मेरे इष्ट देवता है श्री श्री राम कृष्ण देव रामकृष्ण परमंस देव ये माता रानी तो जगदम्बा है ये श्री श्री रामकृष्ण देव की भी आराध्या है तो जगत धात्री है जगत जननी है और ये श्री श्री ठाकुर की धर्मपत्नी है पर हम सभी का माई है हम तो माई कर कहते हैं इनको माँ करके पूजा करते हैं बस उनके चरण के तरफ देख देख देख